गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सेकंड जो बुक है मेरी बारी, उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ना। और ये जो है भाग कौन सा चल रहा है अपना, पांच चल रहा है ना, पांच नंबर का भाग चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आजाद परिंदा जो कविता है सादाबहार खान की, उसके अंतर्गत जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में मेरी बारी एक और दो जो है आपको समझाएंगे और उसके बाद उसको आपको होमवर्क में भी करना है। तो देखिए, दिए गए वाक्यों में आए अलंकारों को छांटकर उनका विवरण लिखिए। इसमें है सबसे पहले विराट को देखकर नैना का हृदय कमल खिल उठा, है ना। तो इस वाक्य में नैना की खुशी को दिखाने के लिए उसके मन को कमल के समान खिला हुआ बताया है। कमल के समान, समान शब्द आया तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा, मतलब इसमें तुलना की गई। उसके बाद देखिए, वैसे भी अपने को ये जो चार क्वेश्चन दिए हैं इसमें उसको बना लो। सबसे पहला क्वेश्चन है उसका जीवन सदा कांटों से भरा ही रहा, ना? तो कांटों से मतलब कांटे क्या है, किसके प्रतीक है, मुसीबत के। तो मुसीबतों की तुलना कांटों से करके बताया गया है ना। यहाँ भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, उसके मन में विचारों के बादल उमड़ते रहते हैं, यहाँ पर देखिए इसको कैसे समझे कि विचारों की अधिकता व प्रवाह को घुमड़ते बादलों के समान बताया गया है ना। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे को भीख मांगते देख उसकी आंखें बरसने लगी, है ना। तो इसमें बच्चे को भीख मांगते देख उसकी आंखें बरसने लगी, मतलब यहाँ पर बहुत रोने को आंखें बरसना कहते हुए बताया गया है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। उसकी आवाज मिश्री सी मीठी है ना, तो उसकी आवाज को किसके समान बताया गया है, मिश्री के समान, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। तो अब यह आपको हम लिख के भेज देंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, मेरी बारी दो, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़िए और पंक्तियों को अलंकारों से सजाकर लिखिए। देखिए पंक्तियों में, हाथी राजा इधर तो आओ, मुझे जरा एक बात बताओ, छोटी छोटी हैं आंखें तुम्हारी, बड़े बड़े हैं कान, मोटे मोटे पांव तुम्हारे, पर क्या तुम्हारा नाम, लंबी मोटी सूंड तुम्हारी, छोटी पतली पूंछ, एक बड़ा सा पेट, कैसे जाते हो तुम घर में, कैसे खोलते गेट, है ना। अब ये पंक्तियों को बोला अलंकारों से सजाकर बताओ। सोचिए तो छोटी छोटी आंखों को और किस तरह से बताया जा सकता है, बटन सी, गोटी सी या छोटी सी गेंद सी। इसी तरह बाकी विशेषताओं की भी तुलना कीजिए और उन्हें अलंकारों की मदद से लिखकर सुंदर बनाइए, है ना। हाथी राजा इधर तो आ, जरा एक बात तो बताओ, छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखों को बटन सी या गोटी के समान बताया जाए, बड़े बड़े कान यानी कि सूबे के समान, है ना, मोटे मोटे पांव यानी कि कोई स्तंभ, है ना, जैसे कि जिससे भवन मतलब खड़ा रहता है। जैसे कोई घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, आधार के लिए चार खंभे गड़ा दिए जाते हैं या सीमेंट के बना दिए जाते हैं, वैसे उनके हाथी के पैर कैसे हैं, बड़े बड़े और मोटे मोटे हैं, है ना। लंबी मोटी सूंड तुम्हारी, है ना, तो सूंड को डालियों के समान बता दिया गया। छोटी सी पतली सी पूंछ, है ना, पूंछ को रस्सी के समान बता दिया गया। एक बड़ा सा पेट, है ना, पेट को किसके समान बता दिया गया है, मान कोई व्यक्ति जो है खड़ा है। कैसे जाते हो तुम घर, कैसे खोलते हो, यानी इस प्रकार से अपने को बताना है हाथियों की जितनी जो भी चीजें यहाँ पर बताई गई है उसको किसके समान है, कि गोटी के समान है, कि गेंद के समान है, ये हमको बताना है। तो यह हम आपको नोट करवा देंगे कॉपी में, आज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। होमवर्क में आपको पढ़ना है, उसके बाद हम नोट करने के लिए आपको लिख कर भेज देंगे, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त कर रहे हैं। मेरी बारी तीन जो है हम आपको कल समझा देंगे।